इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 5। क्योंकि हर एक महायजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे, और वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा है, और इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। और ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उसे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। वो दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। अन्न सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं।